So what's up guys, my name is Arif and you are watching Arif Travel Zone. So मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे साथ पहाड़ों में जाना बहुत पसंद है. So मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ लैंसडाउन, जो कि उत्तराखंड के बेहद खूबसूरत पैलेसेस में से एक है. लैंसडाउन शिमला और मनाली की तरह ज़्यादा फेमस नहीं है, इसलिए यहाँ का माहौल बहुत शांत है, जिस वजह से लैंसडाउन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है. और यहाँ के इन खूबसूरत घुमावदार रास्तों में सफ़र करने का अपना अलग ही मज़ा है. और आज का पूरा दिन मैं और मेरा दोस्त सतीश यहाँ थोड़ा शूट करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, व्यू एंजॉय करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फन भी करेंगे. एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी. सो बने रहिए वीडियो के एंड तक. सो लेट्स स्टार्ट. लैंसडाउन पहुँचकर सबसे पहले हम पहुँचे बुल्ला ताल, जो कि यहाँ का बेहद खूबसूरत स्पॉट है. बुल्ला ताल पहुँचकर हमने यहाँ की टिकट परचेज की, जिसका प्राइस था 150 रुपीज़ फॉर टूरिस्ट एंड ओनली 50 रुपीज़ फॉर सोल्जर्स. एंड ये ताल ट्यूसडे को कम्प्लीटली क्लोज रहता है. टिकट परचेज कर हम पहुंच गए बुल्ला ताल के अंदर. और यहां आकर सबसे पहले हमने देखा एक सूखे हुए पेड़ पर ड्राइंग कर रखी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी. फिर उसके बाद हम पहुंच गए बोटिंग के लिए, जो कि हमारी टिकट में इंक्लूड थी. कुछ टाइम बोटिंग करने के बाद हम थोड़ा घूमे, क्योंकि ये ताल इतना बड़ा और खूबसूरत है कि आप पूरा दिन भी इसमें घूमते रहोगे तो बोर नहीं होंगे. और यहाँ के इन छोटे छोटे रास्तों पर टहलना और यहाँ की खूबसूरती को निहारना एक अलग ही अनुभव देता है. यूँ ही नहीं हर कोई उत्तराखंड में घूमना चाहता है, क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत. बुल्ला ताल में कुछ टाइम बिताने के बाद हम बाहर आ गए और लैंसडाउन के इन काई से जमे हरे हरे रास्तों से होकर हम पहुँचे टिप एंड टॉप लैंसडाउन. टिप एंड टॉप पॉइंट से लैंसडाउन के आसपास के पहाड़ और उन पर बसे ये छोटे छोटे गांव बहुत सुंदर लगते हैं. और इन पहाड़ों का व्यू एंजॉय करते करते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता. और टिप एंड टॉप पॉइंट से यहां के खूबसूरत व्यू को एंजॉय करने के बाद हम पहुंचे सेंट मैरी चर्च. ये ब्रिटिश के टाइम का 100 साल से भी पुराना चर्च है. ये चर्च जितना पुराना है उससे कहीं ज़्यादा फेमस है. यहाँ पर हम थोड़ा घूमे और घूमने के बाद अपनी बाइक से निकल गए ताड़केश्वर टेंपल की ओर. ताड़केश्वर टेंपल जो कि लैंसडाउन से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. और ये 40 किलोमीटर का रूट जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है. एंड 40 किलोमीटर का रूट कवर करने के बाद फाइनली हम ताड़केश्वर टेंपल पहुंच गए. और यहां पर बाइक पार्क करने के बाद यहां से जाएंगे नीचे, क्योंकि ताड़केश्वर टेंपल जाने के लिए हमें थोड़ा सा रूट पैदल भी कवर करना पड़ता है. और इन देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच स्थित ये टेंपल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है.
और गाइज ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट ट्रिप आप कहाँ की देखना चाहते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।